वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड का मासिक मूल्यांकन जो सितंबर महीने में अभी चल रहा है, कक्षा 12 का ये मासिक मूल्यांकन है, विषय बिजनेस स्टडीज़। ये क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसे देख लेना समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। समय है 2 घंटे और पूर्णांक होगा 50। चलिए शुरू करते हैं, पर उसके पहले बता दूं, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं और उन्हें सब्सक्राइब करने को कहें। ये चैनल आपके सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर है, आपके अंग्रेजी कैसे स्ट्रांग हो यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला सवाल है, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, प्रबंध है, प्रबंध क्या है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको आंसर देना है। मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा, प्रबंध जो है ना कला और विज्ञान दोनों है, यानी डी नंबर आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नंबर 2, प्रबंध एक पैसा है या कथन है। देखिए प्रबंध एक पैसा या कथन किसका है, जॉर्ज आर टेरी, यानी ए नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करते जाना बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंध की प्रकृति है, तो प्रबंध की प्रकृति जन्मजात प्रतिभा अथवा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में है, तो सी नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अगला है प्रबंध का सार, प्रबंध का सार क्या है, इनमें से आपको आंसर देने हैं, तो प्रबंध का सार जो है वह समन्वय, यानी ए नंबर आपका आंसर सही होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर लिए होंगे, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपका लघुत्तरी प्रश्न है, जो 50 से 60 शब्दों के आसपास ही आपको आंसर देने होंगे, 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मैं आपको 4 प्रश्न बताऊंगा, 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। ठीक है, देखिए 20 नंबर का ये प्रश्न है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न कहता है प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, चलिए आंसर आप देख लेते हैं। प्रबंध की विशेषताएँ जो हैं आप देख सकते हैं, 1 नंबर में प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, इसका कार्य अन्य व्यक्तियों के सहयोग से कार्य को संपादित करना, यानी प्रबंधन जो है ना वो सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें बहुत लोग शामिल होते हैं और सबों के सहयोग से कार्य होता है। 2 देख लें, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसका संबंध व्यवसाय के मानवीय तत्व से है। प्रबंध जो है वो सामाजिक क्रिया भी है और सामूहिक क्रिया भी है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रबंध के सिद्धांत विश्वव्यापी हैं। और 4 नंबर देख लें, प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, व्यवसाय में निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है, जो कहाँ से होती है, प्रबंध से होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रबंध के स्तर से क्या अभिप्राय है, प्रबंध के स्तर से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखें, यहाँ मैं आपके लिए उत्तर तैयार किया हूँ। प्रबंध के स्तर का मतलब संगठन में विभिन्न पदों के बीच रेखा अंकित करने से है। यह एक प्रकार का ढांचा है जो स्पष्ट करता है कि अधिकारी की क्या स्थिति होगी, कौन किसको आदेश देगा और कौन किससे आदेश प्राप्त करेगा। प्रबंधन के स्तर की निश्चित संख्या नहीं होती है, विभिन्न तरह के प्रबंधन हो सकते हैं, कंपनी के लिए, कर्मचारी के लिए, वेतन के लिए, इत्यादि सभी के लिए प्रबंधन हो सकते हैं, तो इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंध के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए, तो प्रबंध के उद्देश्य के बारे में आपको समझाता हूँ, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए प्रबंध के उद्देश्य, पहला नंबर देखें कि लंबे समय तक प्रतियोगी बाजार में कैसे टिका जाए। दूसरा है समाज के लिए रोजगार सृजन करना। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। चौथा है कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना, मतलब उसको मजदूरी देना। 5वां है मिलावट को रोकना। 6वां है विकास के अवसर प्रदान करना। 7वां है विक्रय योग्य वस्तुएं प्रदान करना। और 8वां आप देखें सेवाएं प्रदान करना। इसमें और भी विशेषताएँ उद्देश्य जो है वो जोड़े जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः मैंने इनको नोट किया है, आपके लिए आंसर बनाया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, इसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने, तो अगला प्रश्न मैं लेता हूँ, प्रबंध एक पैसा है, इसका व्याख्या आपको करनी है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर होगा प्रबंध पैसा है। प्रबंधन के सिद्धांत और व्यवहार के क्रमिक विकास
के साथ दवा हाल ही में कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और शिक्षण के रूप में पैसे के रूप में मान्यता दिया गया है या प्राप्त किया है। तो इन सब को आप विस्तार से भी लिख सकते हैं, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षण, इन सब को विस्तार से आप लिख सकते हैं। चिकित्सक डॉक्टर बनते हैं, उनका पैसा बन जाता है, फिर इंजीनियर पैसा बन जाता है, शिक्षण के पैसे बन जाते हैं, तो ये सभी हैं इसके पैसे। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न लेता हूँ, प्रबंध कला है अथवा विज्ञान अथवा दोनों, ये दोनों को स्पष्ट करना है, समझाना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप विस्तार से भी लिख सकते हैं, मैं आपको बहुत सारे क्लू दूंगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर, प्रबंध कला या विज्ञान, कला का मतलब किसी विशेष गतिविधि को कैसे किया जाए। यहाँ इस चीज़ को आप दो तीन लाइन इसमें जोड़ सकते हैं, किसी भी कार्य को या गतिविधि, कोई भी गतिविधि करते हैं तो उसे करने की जो कौशलता है वही कला है। कला को सचेत प्रयास और अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लगातार अभ्यास और प्रयास से कला को प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंधन अन्य लोगों द्वारा और इसके माध्यम से काम कर रहा है, ठीक है। प्रबंधन जो है वो अन्य लोगों की सामूहिक क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी संगठन कार्य करता है, अतः प्रबंधन एक विज्ञान है और यह कला भी है। यानी प्रबंधन जो है कला और विज्ञान दोनों है, यह दोनों की विशेषताएं प्राप्त करता है। चलिए बहुत अच्छा, अगला प्रश्न को लेते हैं। इसमें दो प्रश्नों का आंसर देना है, तो दूसरा प्रश्न मैं चुन लेता हूँ, प्रबंध के कार्यों का वर्णन करिए। तो प्रबंध के कार्य जो है मैं उसको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए जितने भी पॉइंट मैं यहाँ बताऊँगा, सारे पॉइंट्स को के बारे में आप दो लाइन करके लिखेंगे तो आपके लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा नंबर इसमें मिलेगा। देखिए प्रबंधन के कार्य है नियोजन यानी प्लानिंग करना, फिर दूसरा कार्य है संगठन मतलब ऑर्गेनाइजिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना। अगला है नियुक्तियाँ मतलब स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब हो जाता है कि नियुक्तियों और कर्मचारियों को लेना, भर्ती करना। अगला है निर्देशन मतलब किसी भी प्रबंधन के कार्य के लिए आपको किसी भी कार्य के लिए आपके प्रबंध के लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्शन देना होगा। फिर समन्वयन चाहिए, कोऑर्डिनेशन मतलब साथ में काम करने की जो भावना होती है उसको। नियंत्रण चाहिए, उस पर कंट्रोल भी चाहिए, उत्प्रेरण चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और दिशा यानी डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये प्रश्न सभी प्रश्न मैंने किए और इसका आंसर मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।